नमस्कार, विकास समाचार में आपका स्वागत है। मुंबई के नजदीक बांद्रा पश्चिम में एक झोपड़पट्टी बस्ती है। शास्त्री नगर और महाराष्ट्र नगर के पुनर्विकास हेतु दोनों विकासकों ने पात्र और अपात्र मूल निवासियों के घरों पर हथौड़ा चलाने का काम शुरू किया है। इस बस्ती का सर्वे 2002 में किया गया था। 23 साल बीत गए, इस दरमियान कई मूल निवासियों ने विविध परेशानियों के चलते अपने झोपड़ों की खरीदी बिक्री की है और विकासकों ने पुनर्विकास का नियोजन निवासियों को नहीं बताया है, इसलिए यहाँ के मूल निवासी में नाराजगी का वातावरण है। इस बस्ती में लगभग 2 से 2500 लोग बसते हैं। MMRDA भूमि के लिए एक विशेष योजना प्राधिकरण है। पुनर्विकास के नाम पर अधिक लाभ कमाने के लिए 27.45 मीटर DP सड़क और बरसाती नाले को हटाने की योजना विकासकों द्वारा की जा रही है। इससे केवल विकासकों को लाभ प्राप्त होगा। विकासकों को 7.5 लाख वर्ग फुट बिक्री क्षेत्र उपलब्ध होगा, लेकिन मूल निवासियों की जिंदगी सड़क पर आ जाएगी, इसलिए इस बस्ती में असंतोष और भय का वातावरण है। इस बस्ती का फिर से सर्वे करके लिखित रूप में एग्रीमेंट बनाया जाए और हमें इसी परिसर में घर दिए जाए, ऐसी यहां के मूल निवासियों की मांग है। आपने भी बिजी है वो। बिजी है, वैसे ये हुआ था ऑर्डर कि यहां पे फिर से सर्वे हो, तो क्या फिर से सर्वे हुआ है? नहीं हुआ। रुकवा दिया गया। सर्वे रुकवा दिया गया। किसकी तरफ से रुकवा दिया गया? अब ये सोसाइटी की होगी ना। जिसको चुन के आते हैं नेता लोग, क्या वो आपके? कोई भी नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। सपोर्ट में कोई नहीं है। 15 साल नहीं है। MLA से दीपक भाई जीत के गए, वो जीत के गए, सब जीत के गए, कोई नहीं आती। ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे 2017 से हम लोग SRA में भाग दौड़ कर रहे हैं। ये तो इसी के साल से काम चालू हो जाता, बाकी महाराष्ट्र नगर तो 2017 से चालू है। हम लोग CO से मीटिंग लिए, सबसे मीटिंग लिए, यहाँ तक कि हमने सोसाइटी चेंज करने के लिए अप्रोच करा था, वो भी हमारे पास है। बाकी हमको कोई कहीं से मदद नहीं मिली ना, यहाँ से समझो ऐसे सेलर है वो भी नहीं दे रहे। जो अभी का MLA है, इसके पहले बाबा सिद्दीकी जी का कांग्रेस का MLA था, उधर से भी हमको किसी का भी सपोर्ट नहीं। पार्टनर है इसके, मंडलिया जो है ना, इसके पार्टनर है ये लोग। मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ बिल्डर कौन घुस रहा है और कितने, मतलब कितने बिल्डर है यहाँ? दो बिल्डर है, यानी कि वो एक ही कंपनी है। जैसे पाइनर कंपनी का नाम बताएंगे? पाइनर है। पाइनर और किसी को बताएं कंपनी का? चलो इधर आइए। और जो हमारे महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर की जो निवासियों की, जो जनता की जो परेशानी है, वो मैं बताना चाहता हूँ। DMC, SRA और हमारे जो स्थानीय MLA है, उन तक ये मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सर, महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में 2000 और 2011 के लोगों के अभी तक सर्वे नहीं हुए। जिस तरह से डेमोलिशन का कार्य चालू है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर उनके घर डेमोलिशन हो गए तो वो रोड पर आ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इधर जो विकासक है, महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में जो विकासक है, आज से 23 साल पहले आया इधर, और उस 23 साल में उसने कोई भी विकास नहीं किया। 23 साल पहले लोगों ने एग्रीमेंट किया, लॉटरी एग्रीमेंट किया, कंसेंट दिया, सोसाइटी का गठन हुआ, पर 23 साल पहले जो एग्रीमेंट हुआ, आज वो 23 साल का समय गुजर चुका है, अभी तक विकास नहीं हुआ। तो लोगों की चिंता ये है कि जो 23 साल पुराना एग्रीमेंट है, वही एग्रीमेंट को आज 23 साल से आप चला रहे हो, क्या भरोसा उस एग्रीमेंट को और आप 23 साल तक चला सकते हो? तो ये यहाँ की जो जनता है, महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर की जनता, ये चाहती है कि आप उनके साथ फ्रेश एग्रीमेंट करो। जो SRA और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो नया GR है, नए नोटिफिकेशन है, उनके तहत उनके साथ एग्रीमेंट करो, उनको स्कीम के बारे में समझाओ, विकासक कौन है उनके बारे में समझाओ, सोसाइटी यहाँ की जो प्रपोज सोसाइटी है, जो महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर की प्रपोज सोसाइटी है, जो प्रतिनिधि है, वो आज तक उन्होंने कभी सभा नहीं लिया, लोगों को कभी बताया नहीं कि उनका एनेक्चर में नाम क्या है और उनके घर क्या है, उनके घर सर्वे हुए या नहीं हुए। यहाँ स्थाई लोगों का प्रशासन से और बिल्डर से क्या मांगे? जो स्थाई लोग हैं हमारे, वो परेशान इसीलिए है कि उनको बिगर नोटिस दिए, उनको नोटिस भी नहीं दिए जा रहे हैं, उनके घर के डायरेक्ट डेमोलिशन हो रहे हैं, उनको बताया नहीं जा रहा है, उनको समय नहीं दिया जा रहा है कि उनके घर के डेमोलिशन क्यों हो रहे हैं। अरे उन्हें तो इन्फॉर्म करना चाहिए, सोसाइटी का काम है, सोसाइटी को बताना चाहिए कि आपके घर के कल डेमोलिशन होंगे। आज BMC का अधिकारी आता है, एक दिन पहले रेड निशान करता है, दूसरे दिन विकासक और प्रशासन लेबर लेके आ जाती है उनके घर के डेमोलिशन के। तो ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब है कि बिना नोटिस के बिगर नोटिस की कार्रवाई की जा रही है, बिगर नोटिस के लोगों के घर के डेमोलिशन किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उनको समय दिया जाना चाहिए, किस कारण उनके घर को डेमोलिशन किया जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगी कि उच्च न्यायालय में जो आप लोगों ने स्टे ऑर्डर की मांग की थी और जो ये
बिल्डर के खिलाफ आप लोगों ने जो कार्रवाई किए थे कि ये बिना नोटिस दिए बिना सर्वे किए पहले ही जो जैसे कि आपने बताया कि 2002 के सर्वे के ऊपर ही कार्य हो रहा है मैडम, तो मैं अभी स्टे ऑर्डर आने के बावजूद ही लोग उच्च न्यायालय का उल्लंघन कर रहे हैं, उस पर आप क्या करना मैडम? मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है दीपक दिनकर हेड़ाओ, 15 दिसंबर का ऑर्डर था, हॉनरेबल जस्टिस अभय सर ने महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर के लोगों को राहत दी कि आपके घर के डेमो आपके घर के डेमोलिशन नहीं होंगे 30 अप्रैल तक। तो जो लोग पेटिशन में है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनके घर के डेमोलिशन नहीं हो रहे हैं, बाकी जो अन्य लोग हैं जो जो पेटिशन में नहीं आए उनके घर के डेमोलिशन कर रहे हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आप उनके घर के डेमोलिशन कब क्यों कर रहे हो? उनको सबसे पहले उनके साथ तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं हुआ, जो खरीदी उनके घर अपात्र है, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि उनके घर अपात्र है फिर भी उनके घर के डेमोलिशन कर दिए जा रहे हैं। तो उनके घर अगर अपात्र है, आप 23 साल से उनका घर अपात्र है, तो सबसे पहले पात्र होना चाहिए। वो जो पात्रता का प्रोसेस है वो पात्रता का प्रोसेस ही नहीं किया, सर्वे नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ 2000 और 2011 के लोगों के सर्वे नहीं हुए, वो लोग कहाँ जाएंगे? इतने साल में जो घर बिके हैं और जो घर खरीदे गए हैं तो वो तो फिर इनलीगली माने जाएंगे जब तक सर्वे नहीं होगा। मैं मैडम आपके चैनल आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में कुछ एनेक्चर के हिसाब से 1300 से 1400 लोग हैं, उसमें से 500-600 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल पहले घर खरीदा, 2002 में एनेक्चर बना, 2002 में एनेक्चर बना, एग्रीमेंट बना, तो आपने विकास कर देना चाहिए था आपको 2-3 साल में। आप 23 साल तक आपने विकास नहीं किया, तो उस बीच में लोगों की जो परिस्थिति थी, किसी ने कोविड में बेच दिया, किसी ने कोविड से पहले बेच दिया, किसी के फैमिली के डिस्प्यूट थे तो उन्होंने अपने घर बेच के चले गए, तो वो खरीदी बिक्री वाले लोगों का क्या होगा, उन्हें कैसे घर मिलेगा? शास्त्री नगर बसे हुए कितना साल हो चुका है? शास्त्री नगर बसे हुए मैडम आज के मेरे हिसाब से तो मैं जहाँ मैं आज 50 साल हो 50 साल हो गया है, 37 साल का मैं खुद हूँ, तो 37 साल मुझे इस बस्ती में हो गए हैं, मतलब 3 पीढ़ी गुजर चुकी है। हाँ, और मेरा ये विकासक से है आपके, हाँ मेरा आपकी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब विकासक 23 साल पहले आया, लोगों के साथ एग्रीमेंट किया, एनेक्चर बनाया, तो 23 साल पहले 2003 में 2005 अगर 2-3 साल के अंदर अगर वो विकास कर देता तो खरीदी बिक्री नहीं होती। ये 20-22-23 साल में लोगों ने खरीदी बेची की, लोगों की हालत परिस्थिति हालत खराब थी, किसी की फैमिली की प्रॉब्लम्स थे, कोविड में लोगों ने घर बेच दिए, तो खरीदी बिक्री वालों को घर कैसे मिलेगा? सर आप पहले तो मुझे ना यहाँ के फाइनेंसर और बिल्डर का नाम बताएं। यहाँ महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में पायनियर इंडिया डेवलपर्स करके एक लिमिटेड करके कंपनी है, महाराष्ट्र नगर में ग्रेस प्रॉपर्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, ये दो कंपनियां हैं। 2017 में ये दोनों सोसाइटी को क्लब किया गया, मर्ज किया गया, अमलगेशन किया गया 2017 में, 17 से पहले 2014 में इधर की एलॉय नहीं लिए तो उन्हें एक ही जगह की एलॉय थी ग्रेस प्रॉपर्टी इंडिया की, तो 2017 में इधर एलॉय मर्ज हुई है, क्लब हुआ है प्रोजेक्ट, और जब से अभी तक ये ऐसी यही परिस्थिति है इधर की। वो अभी उनको कहा, उनको डेमोलिशन किया, उनके घरों के डेमोलिशन हो रहे हैं और उनको बुलाया जा रहा है कि आप आके चेक ले लो, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के डेमोलिशन हो गए पर उन्होंने अभी तक चेक नहीं लिया। मांग क्या है आपकी? मांग क्या है बताइए? हमारे को चाहिए घर के बदले में घर, और यहाँ पे चाहिए, यहीं पे चाहिए। आप लोगों का काम, बच्चे की पढ़ाई सब यहीं है? सब यहीं पे, हम लोग का सब यहीं पर है टोटल जी, पूरा हर चीज। 50 साल हो गए हमें यहाँ पर, और 50 साल से हमारे मतलब हमारी उम्र हो गई 48, बाकी तो उसके बाद हमारी मम्मी बिल्डर से आपका बाद क्या मांगे कि आपको लिख के हमारा घर लिख के दें? वो उसमें लिखित नहीं दिए हैं ये लोग, बिल्डर लिख के नहीं दे रहे, रजिस्टर नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, इसमें से यही चीज बता रहे हैं कि एक एग्रीमेंट दिया था उसमें लिखा है सिर्फ माँ बाप और भाई बहन सबके सहमति से हमने जो है ना डेवलप के लिए बिल्डर को दे रहे हैं, लेकिन बिल्डर हमें क्या दे रहा है वो चीज नहीं लिखा हुआ है। हाँ, वो तो वो चीज हमें लिख के देना चाहिए, बस हमें यही चीज है कि हमें लिख के दे और हमारा यहीं पर घर दे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो यहाँ से 2 साल का टाइम लिया जा रहा है, क्या आप लोगों को लगता है 2 साल में ये जो इतना बड़ा 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो तैयार हो रहा है ये बन के तैयार होगा? नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। कितना पब्लिक है यहाँ? यहाँ पे तो करीब जो है 15 कितना 16,000 पब्लिक है, 3,000 मकान घर बिल्डिंग के अंदर कितना सीसी का बन रहा है ये पता है? यहाँ पर कैसे है, विकासक ने अभी तक का ना तो प्लान लोगों को दिखाया है, हमने बहुत बार कहा कि आप होर्डिंग पे प्लान नहीं लगाया, कितना स्क्वायर फीट मिलेगा ये भी नहीं बताया। रिहैब बिल्डिंग, हाँ रिहैब की बिल्डिंग का आप प्लान लगाइए, होर्डिंग पे लगाइए, लोगों को बताइए, लोगों के बीच में एक सभा लीजिए,
वहाँ पर स्कीम के बारे में लोगों को समझाइए कि आपको कितने स्क्वायर फुट का घर मिलेगा, कितने समय में मिलेगा उनके साथ। जब अभी तक का एग्रीमेंट नहीं हुआ, जब एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उनको पता ही उनको कैसे चलेगा कि उनको घर कब मिलेगा, समय में मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं जो एसआरए का कानून है सर, एसआरए के कानून के तहत उनके साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करो, उनको एक समय दो, बताओ कि आप कितने समय में आपको घर बना के दिया जाएगा, इस जगह पे बना के दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं वसई से शहनाज शेख, विकास समाचार। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।